तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैजयंती माला के ऑल मूवीज नेम लिस्ट के बारे में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो एक लाइक। साल 1991 में वैजयंती माला की पहली फिल्म आई बाहर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर करण दीवान, वैजयंती माला, प्राण और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 2, साल 1953 में इनकी फिल्म आई लड़की। इस फिल्म के मुख्य एक्टर भरत भूषण, किशोर कुमार, वैजयंती माला और अंजलि देवी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 3, साल 1954 में इनकी फिल्म आई नागिन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, प्रदीप कुमार और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 4, इसी साल 1954 में इनकी फिल्म आई मिस माला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, किशोर कुमार और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 5, साल 1955 में इनकी फिल्म आई पहली झलक। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, किशोर कुमार, प्राण और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 6, इसी साल 1955 में इनकी फिल्म आई यास्मीन। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, सुरेश और जयंत नजर आए थे। नंबर 7, इसी साल 1955 में इनकी फिल्म आई सितारा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, ओम प्रकाश, प्रदीप कुमार और जयंत नजर आए थे। नंबर 8, इसी साल 1955 में इनकी फिल्म आई जश्न। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, जॉनी वॉकर, प्राण, रणधीर और कुलदीप कौर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 9, इसी साल 1955 में इनकी फिल्म आई देवदास। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन, वैजयंती माला और मोतीलाल नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 10, साल 1956 में इनकी फिल्म आई ताज। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, प्रदीप कुमार, विपिन गुप्ता और जीवन नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 11, इसी साल 1956 में इनकी फिल्म आई अनजान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, प्रदीप कुमार, जीवन और मीनू मुमताज नजर आई थी। नंबर 12, इसी साल 1956 में इनकी फिल्म आई नई दिल्ली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, किशोर कुमार, नजीर हुसैन और धूमल नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 13, इसी साल 1956 में इनकी फिल्म आई पटरानी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, प्रदीप कुमार और शशिकला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 14, इसी साल 1956 में इनकी फिल्म आई किस्मत का खेल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, सुनील दत्त, बेगम पारा और जगदीप नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 15, इसी साल 1956 में इनकी फिल्म आई देवता। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जेमिनी गणेशन, अंजलि देवी और वैजयंती माला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 16, साल 1957 में इनकी फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार और वैजयंती माला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 17, इसी साल 1957 में इनकी फिल्म आई कठपुतली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, बलराज साहनी और जवाहर कौल नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। नंबर 18, इसी साल 1957 में इनकी फिल्म आई एक झलक। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, प्रदीप कुमार, राजेंद्र कुमार, अनीता गुहा, प्राण और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 19, इसी साल 1957 में इनकी फिल्म आई आशा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार, वैजयंती माला, प्राण और ओम प्रकाश नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 20, साल 1958 में इनकी फिल्म आई सितारों से आगे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 21, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई साधना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, वैजयंती माला और लीला चिटनिस नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 22, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई राज तिलक। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जेमिनी गणेशन, पद्मिनी, वैजयंती माला और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 23, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई मधुमति। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंती माला, दिलीप कुमार, प्राण और जॉनी वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 24, इसी साल 1958 में इनकी फिल्म आई अमरदीप। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, वैजयंती माला और पद्मिनी नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 25, साल 1959 में इनकी फिल्म आई पैगाम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार, वैजयंती माला और राजकुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 26, इसी साल 1959 में इनकी फिल्म आई जवानी की हवा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रदीप कुमार, वैजयंती माला और जॉनी वॉकर नजर आए थे। नंबर 27, साल 1960 में इनकी फिल्म आई कॉलेज गर्ल। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शमी कपूर और वैजयंती माला नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 28, साल 1961 में इनकी फिल्म आई नजराना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, वैजयंती माला और उषा किरण नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 29, इसी साल 1961 में इनकी फिल्म आई गंगा जमुना। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार, वैजयंती माला और नासिर खान नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 30, इसी साल 1961 में इनकी फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 31, साल 1962 में इनकी फिल्म आई रंगोली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर किशोर कुमार, वैजयंती माला और दुर्गा खोटे नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 32, इसी साल 1962 में इनकी फिल्म आई
झूला। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंतीमाला, सुनील दत्त, प्राण और राजेंद्र नाथ नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 33, इसी साल 1962 में इनकी फिल्म आई डॉक्टर विद्या। इस फिल्म के मुख्य एक्टर वैजयंतीमाला, मनोज कुमार, लीला चिटनीस और नाजिर हुसैन नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 34, साल 1964 में इनकी फिल्म आई जिंदगी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर पृथ्वीराज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला और राजकुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। नंबर 35, इसी साल 1964 में इनकी फिल्म आई संगम। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनी। नंबर 36, इसी साल 1964 में इनकी फिल्म आई फूलों की सेज। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, मनोज कुमार और वैजयंतीमाला नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 37, इसी साल 1964 में इनकी फिल्म आई लीडर। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला और जयंत नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज बनाया। नंबर 38, इसी साल 1964 में इनकी फिल्म आई इशारा। इस फिल्म के मुख्य एक्टर जॉय मुखर्जी और वैजयंतीमाला नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 39, साल 1965 में इनकी फिल्म आई नया कानून। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार, भारत भूषण और वैजयंतीमाला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 40, साल 1966 में इनकी फिल्म आई दो दिलों की दास्तान। इस फिल्म के मुख्य एक्टर प्रदीप कुमार और वैजयंतीमाला नजर आई थी। नंबर 41, इसी साल 1966 में इनकी फिल्म आई आम्रपाली। इस फिल्म के मुख्य एक्टर सुनील दत्त, वैजयंतीमाला और प्रेमनाथ नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 42, इसी साल 1966 में इनकी फिल्म आई सूरज। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला, अजीत, मुमताज और जॉनी वॉकर नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 43, साल 1967 में इनकी फिल्म आई हट्टे बाजारे। इस फिल्म के मुख्य एक्टर अशोक कुमार और वैजयंतीमाला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बंगाली थी। नंबर 44, इसी साल 1967 में इनकी फिल्म आई छोटी सी मुलाकात। इस फिल्म के मुख्य एक्टर उत्तम कुमार, वैजयंतीमाला, राजेंद्र नाथ और शशिकला नजर आई थी। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। नंबर 45, साल 1968 में इनकी फिल्म आई संघर्ष। इस फिल्म के मुख्य एक्टर दिलीप कुमार, वैजयंतीमाला, बलराज साहनी और संजीव कुमार नजर आए थे। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज बनाया। नंबर 46, इसी साल 1968 में इनकी फिल्म आई साथी। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला और सिमी गरेवाल नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 47, इसी साल 1968 में इनकी फिल्म आई दुनिया। इस फिल्म के मुख्य एक्टर देव आनंद, वैजयंतीमाला, बलराज साहनी, जॉनी वॉकर और ललिता पवार नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। नंबर 48, साल 1969 में इनकी फिल्म आई प्यार ही प्यार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर धर्मेंद्र, वैजयंतीमाला और प्राण नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सेम हिट रही। नंबर 49, इसी साल 1969 में इनकी फिल्म आई प्रिंस। इस फिल्म के मुख्य एक्टर शम्मी कपूर, वैजयंतीमाला, अजीत और राजेंद्र नाथ नजर आए थे। ये फिल्म इनकी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। नंबर 50, साल 1970 में इनकी लास्ट फिल्म आई गवार। इस फिल्म के मुख्य एक्टर राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला नजर आई थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज बनाया। तो दोस्तों, ये था वैजयंतीमाला जी का कंप्लीट हिंदी बॉलीवुड सफर। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को कर दो एक लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगला वीडियो किस एक्टर पर देखना पसंद करते हो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।